हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 28 फेब 2021। आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ किस बैंक ने करार किया है? हमारा सही जवाब है बी, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ करार किया है। देखिए, जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं जेमी डिमन। जेपी मॉर्गन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क यूएसए में। जेपी मॉर्गन के संस्थापक हैं जेपी मॉर्गन। वहीं पर एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में और एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। और भारतीय स्टेट बैंक ने विदेशी लेन देन को गति देने के लिए अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने के लिए जेपी मॉर्गन के साथ करार किया। ये करार किस तकनीक को लेके हुआ है? अमेरिकी बैंक की ब्लॉकचेन तकनीक को लेके। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने किस ऐप के लिए यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू किए जाने की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है ए, गाना। एनपीसीआई ने गाना ऐप के लिए यूपीआई ऑटो पे सेवा शुरू करने की घोषणा की है। एनपीसीआई के एमडी और सीईओ है दिलीप असबे। एनपीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में और इनकी स्थापना हुई थी 2008 में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ किसे नामित किया गया है? हमारा सही जवाब है ए, शरद गोपलानी। शरद गोपलानी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष और सीटीओ नामित किए गए हैं। रूसी सुपर मॉडल नतालिया वोडियानोवा को किसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? हमारा सही जवाब है सी, यूएनएफपीए। यूएनएफपीए का मुख्यालय है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूएनएफपीए के प्रमुख है नतालिया कनेम और यूएनएफपीए की स्थापना हुई थी 1969। आर विजय कुमार ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया है, ये किस नाम से मशहूर थे? हमारा सही जवाब है ए, दावणगिरी एक्सप्रेस। आर विजय कुमार को इस नाम से भी जाना जाता था। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? हमारा सही जवाब है बी, यूसुफ पठान। हाल ही में पद्मश्री विष्णु नारायणन नंबूत्री का निधन हुआ, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? हमारा सही जवाब है ए, कवि। विष्णु नारायणन मलयालम कवि थे। हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है? सही जवाब है ए, पापुआ न्यू गिनी। माइकल सोमारे 17 सालों तक, जो कि सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है? सही जवाब है ए, 27 फेब को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हमारा सही जवाब है बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? हमारा सही जवाब है ICICI बैंक के द्वारा। हमारा आज का सवाल है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।